हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम सो बच्चों आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास थ्री का इंग्लिश का यूनिट नाइन ही इज़ माय ब्रदर सो आज की वीडियो में हम ही इज़ माय ब्रदर जो हमारा टॉपिक है इस लेसन की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन एंग करने जा रहे हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश आई होप यू ऑल आर रेडी सो स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए स्मॉल हिल एक बार की बात है वहाँ पर क्या था एक छोटा हिल था स्मॉल स्मॉल आप समझते हैं छोटा हिल मतलब एक पहाड़ छोटा पहाड़ ए पाथ वेंट अप दिल ए पाथ ए पाथ मतलब एक रास्ता जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं एक रास्ता जा रहा है हिल की तरफ सो जो रास्ता था वो गया एक हिल की तरफ इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ़ पाइन एंड फायर ट्रीज जो रास्ता था वो जाता था थिक, थिक होता है मोटा लेकिन यहाँ पर थिक मोटे का मतलब नहीं यहाँ पे है घना घना जंगल था लवली वुड्स थी प्यारी प्यारी लकड़ियाँ थी एंड क्या थे पाइन एंड फायर ट्रीज थे पाइन एंड फायर ट्रीज जैसा कि आप राइट में देख पा रहे पिक्चर में जो प्लांट हैं ट्रीज हैं वो क्या है पाइन एंड फायर ट्रीज के ट्रीज हैं वो पीपल ऑफ़ एंड वॉकड ऑन इट टू अली प्लेस जो लोग थे ऑफन मतलब होता है अक्सर वॉक मतलब चलना सो so, लोग अक्सर वहाँ पैदल चल कर जाते थे होली प्लेस होली प्लेस मतलब है पवित्र जगह होली मतलब होता है पवित्र सो so, इस पैराग्राफ में हम कह सकते हैं कि छोटा हिल था एक वहाँ एक रास्ता जाता था और वहां पर बहुत घना जंगल था प्यारी प्यारी लकड़ियां थी अच्छे अच्छे पेड़ थे पाइन एंड फायर ट्रीज थे वहाँ पर और लोग क्यों जाते थे वहां पर क्योंकि वहाँ एक हॉली प्लेस था पवित्र जगह थी वन डे द सन शॉन हाई इन द स्काई एक दिन क्या था जब सन जो सूरज है वो शॉन चमक रहा था हाई इन द स्काई ऊपर स्काई पर चमक रहा था मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल मैनी पीपल बहुत सारे लोग वर सीन क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना सीन मतलब दिखाई देना सो so, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे थे अप द हिल जो पहाड़ की तरफ चढ़ रहे थे हिल की तरफ जा रहे थे जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली वो सब क्या थे क्लाइंबिंग कर रहे थे पहाड़ पर हिल पर चढ़ रहे थे स्लोली एंड केयरफुली बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा ध्यान से क्योंकि जो हिली एरियाज होते हैं वो उन पर गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है तो स्लोली चलना चाहिए और बहुत ज़्यादा केयरफुली भी चलना चाहिए तो क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना स्लोली आप समझते हैं धीरे धीरे और केयरफुली मतलब सावधानी से दे टी एच ई वाई दे यहाँ पे क्या है प्रोनाउन है ए गर्ल ऑल्सो क्लाइंब्ड हिल विद डैम एक लड़की थी जो उनके साथ चढ़ रही थी एक लड़की भी उनके साथ चढ़ रही थी जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं हर नेम वाज मीना उस लड़की का नाम क्या था मीना था यहाँ पे हर फिर से प्रोनाउन यूज़ किया गया है मीना के लिए जो मीना क्या है नाउन है नाउन की जगह पे हर हमने यूज़ किया है तो वो क्या हो गया प्रोनाउन हो गया मीना वाज ट्वेल्व इयर्स ओल्ड मीना की एज क्या है बारह साल थी मीना की एज बारह साल थी सी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैग उसने कैरीड कैरीड मतलब एक तरह से उठाना उसने उठा रखा था एक छोटे बॉय छोटे लड़के को ऑन हर बैक अपनी पीठ पर जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं तो उसने अपनी पीठ पर कैरी कर रखा था एक छोटे बच्चे को लेकिन वो उन सभी लोगों के साथ क्लाइंबिंग कर रही थी वो भी चढ़ रही थी स्मॉल हिल की तरफ उस होली प्लेस के लिए ही वॉज़ फोर ईयर्स ओल्ड जो वह बॉय था लड़का था वह चार साल का था हीज़ हेयर वॉज करली उसके बाल क्या थे घुंघराले थे जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं ना करली हेयर मतलब घुंघराले बाल हीज़ आइज were ब्लैक उसकी जो आइज थी वो कैसी थी ब्लैक थी हीज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू उसका फेस इतना फ्रेश लग रहा था जैसा कि मॉर्निंग ड्यू होती है ड्यू समझ रहे हैं जैसा मैंने फोटो में आपको दिखाया है ड्यू मतलब होता है ओस जब हम सुबह सुबह आप पार्क में कभी भी देखिएगा जो ग्रास होती है उस ग्रास पर क्या होती है ड्यू आ जाती है रात में जो मौसम जब ठंडा होता है तो उसके कारण छोटे छोटे से टाइनी ड्रॉप्स होते हैं वाटर की वो उस ग्रास पर आ जाती है तो जैसा वो सुबह आप जब भी ग्रास पर ड्यू देखोगे बहुत अच्छा लगता है बहुत फ्रेश लगता है देख कर तो ऐसा ही उस बच्चे का फेस था बिल्कुल फ्रेश उस बच्चे का फेस था एज द सनसाइन डांसड थ्रू द ट्रीज जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया है, जब सूरज ने डांस किया उसकी किरणें चमकी पेड़ों से निखर कर आई सामने जैसा कि आप देख रहे हैं डांस का मतलब ये नहीं है कि सूरज की किरणों ने डांस किया है या डांस का मतलब यह है कि जब ट्री के थ्रू ट्री के पीछे से जो उसकी सन साइन जो रेज थी वो आई उनके बारे में कहा गया है पेड़ों के पीछे से मीना क्लाइम्ड द हिल स्लोली एंड स्टेडली मीना हिल पर चढ़ रही थी स्लोली धीरे धीरे स्टेडली स्टेडली मतलब होता है कंटिन्यूसली लगातार वो लगातार चढ़ रही थी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा थक गई फिर बहुत ज़्यादा रुक गई लेकिन जैसा कि कहते हैं ना वो जो टर्टल होता है वो स्लोली स्लोली काम करता है स्लोली स्लोली चलता है सेम ऐसे ही मीना भी स्लोली स्लोली चल रही थी मीना वाज हैप्पी मीना खुश थी द बॉय वाज आल्सो हैप्पी जो लड़का था आप फेस पे एक्सप्रेशन दे सकते देख सकते हो उस बच्चे के वो भी बहुत ज़्यादा खुश था ए मैन इन द ग्रुप लुकड एट बीना जो ग्रुप जा रहा था ना जो हिल पर चढ़ रहे थे लोग उस ग्रुप में एक आदमी था जो मीना की तरफ देख रहा था ही फेल्ट सॉरी फॉर हर वह उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था क्योंकि उसने अपनी पीठ पर एक छोटे बच्चे को उठा रखा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्यों जब होता है ना कभी कभी हम किसी को देखते हैं कि वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है तो हमें बड़ा दया आती है उसके प्रति तो यहाँ पे सॉरी का मतलब है दया भावना ही आस ही हर उसने उससे मीना से पूछा माई चाइल्ड मेरी बेटी वाई आर यू केयरिंग अ बॉय ऑन योर बैग तुमने इस बच्चे को इस लड़के को अपनी कमर पर क्यों उठा रखा है डोंट यू फील इज लोड क्या आपको इसका वजन नहीं लग रहा है कमर पर तो जब उस आदमी ने देखा तो वो अफ़सोस के साथ सोच रहा था कि इस बच्ची ने इस बच्चे को क्यों उठा रखा है ये भी तो ज़्यादा बड़ी नहीं है मीना भी लेकिन इसने इतने बच्चे को क्यों उठा रखा है अपनी पीठ पर तो उसके बारे में वो अफसोसपूर्ण सोच रहा था तभी उसने उससे कोशिश की और पूछा ही आस्क्ड हर माय चाइल्ड मेरी बेटी व्हाई आर यू केयरिंग अ बॉय आपने क्यों कैरी कर रखा है इस बॉय को ऑन योर बैक अपनी पीठ पर डोंट यू फील हीज लोड क्या आपको एल ओ ए डी लोड यहाँ पे क्या है वजन क्या आपको इसका वजन नहीं लग रहा है अपनी कमर पर मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर मीना ने उसे बहुत ही वंडर मतलब था आश्चर्य से देखा उस आदमी ने जो क्वेश्चन किया था उसने बहुत आश्चर्य से देखा उस आदमी को सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम मीना उसको नहीं समझ पाई कि इसने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा मुझसे हर ब्रदर वॉज़ अनेबल टू वॉक जो मीना का भाई था ना वो चलने में सक्षम नहीं था जैसा कि मैंने फ़ोटो में दिखाया गया है देखो आर्टिफिशियल लेग्स हैं लेफ्ट साइड जो फ़ोटो है तो इस तरह का मीना का भाई आप एक परसेंट सोच सकते हैं जो चल नहीं सकता था उसके पैरों में कुछ ना कुछ कमी थी सो so, उसने सोचा कि मेरे भाई के पैरों में कमी है और ये भजन क्यों लगेगा मुझे ऐसा क्वेश्चन ये आदमी क्यों पूछ रहा है मीना ने कहा लोड मीना ने क्वेश्चन मार्क देखी लोड के बाद क्वेश्चन मार्क है उल्टा क्वेश्चन है लोड भजन कोर्स नॉट बिल्कुल भी नहीं ही इज़ माई ब्रदर वह तो मेरा भाई है सो so, उसने बहुत वंडर से देखा आश्चर्य से देखा और उसने कहा भजन यह तो मेरा भाई है मुझे वज़न बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि अपने जो रिलेटिव्स हैं रिलेशन में होते हैं वो हमारी जान से भी प्यारे हमें लगते हैं तो अगर वो अपने भाई की हेल्प कर रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा भाई है मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ आप कह रहे हैं भजन मेरा भाई मेरे लिए वजन नहीं है तो इसलिए वो आश्चर्य से देख रही थी बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट जो स्टोरी है वो सनत कुमार भट्ट ने लिखी है सो so, ये स्टोरी थी न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स हम इसके कर लेते हैं अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड का मतलब होता है टू नो द मीनिंग मीनिंग को जानना अर्थ को जानना आई कैन अंडरस्टैंड माई बेस्ट फ्रेंड मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को समझता हूँ अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना क्लाइम्ड क्लाइम्ड मतलब होता है टू गो अपवर्ड ऊपर की तरफ चढ़ना जैसा कि आप देख रहे हैं द पर्सन इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री वह जो आदमी है वह पेड़ पर चढ़ रहा है नेक्स्ट हमारा वर्ड है होली प्योर और ब्लेस्ड मतलब बिल्कुल साफ और जो भगवान की जहाँ कृपा होती है ब्लेस्ड आशीर्वाद के साथ ऐसी जगह को होली बोला जाता है गंगा इज अ होली रिवर जो गंगा है वो बहुत पवित्र नदी है स्लोली स्लोली का मीनिंग क्या होता है आप सभी डेफिनेटली जानते होंगे एट अ वेरी लेस स्पीड बहुत ही धीरे स्पीड में जैसे कि आप टर्टल को देखते हैं द टर्टॉयज वॉक स्लोली जो टर्टॉय होता है कछुआ होता है वो बहुत स्लोली चलता है नेक्स्ट है सॉरी आप सभी समझते होंगे टू फील बैड अबाउट समथिंग यहाँ पे सॉरी का मतलब माफ़ी मांगना नहीं है यहाँ सॉरी का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फील करना उसकी कमजोरी को देखते हुए आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए नेक्स्ट है लोड एल ओ ए डी हैवी वेट भारी वज़न दे आर केयरिंग द लोड ऑन देयर बैक वे वज़न उठा रहे हैं अपनी स्पीड पर जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं लोड का मतलब होता है वजन सो बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच बाय बाय